दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको ट्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटलिटी, दालान रिसोर्ट शुक्ला नगर चिकनी सोनकी रोड दरभंगा, अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल्स, लॉन्स, पूल। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान फैशन की नई पहचान, साड़ी लहंगा मेंस वियर लेडीज एंड किड्स वियर सूट और सूट पीस। दरभंगा में बेखौफ है शराब माफिया, रिटायर्ड चौकीदार प्रमोद पासवान की गोली मारकर कर दी हत्या। यह बड़ी खबर दरभंगा से है जहां बेखौफ शराब माफियाओं ने रिटायर्ड चौकीदार प्रमोद पासवान को महज इसलिए गोली मारकर उनकी जान ले ली क्योंकि उन्होंने शराब की खेप गांव में उतारने से रोका था। दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी गांव में अहले सुबह 3 बजे के करीब पेट्रोल पंप के पास शराब की खेप उतारी जा रही थी। पूर्व चौकीदार और वर्तमान में पेट्रोल पंप में गार्ड का काम कर रहे प्रमोद पासवान ने शराब उतारने से मना किया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और शराब कारोबारियों ने प्रमोद पासवान को गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल प्रमोद पासवान की आवाज सुन उनका बेटा राहुल भी पहुंचा, जिस पर भी शराब माफियाओं ने फायर कर दिया, लेकिन वो बाल बाल बच गया। आनन फानन में प्रमोद को DMCS लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके चौकीदार, वर्तमान चौकीदार राहुल पासवान एवं मने की प्रमोद राजू दास एवं मने की क्या कहते हैं नंद किशोर यादव, ये तीनों नंद किशोर पासवान, ये तीनों की ड्यूटी यही 500 गज की दूरी पर कहीं पर मने की ड्यूटी था। वो लोग भी जब यहाँ पर आए तो उसके ऊपर भी गोली की बछोर मने की अपराधकर्मी द्वारा किया गया, जिसमें वो लोग बाल बाल बच गए। तत्क्षण थाना प्रभारी को इस संदर्भ में सूचना दिया गया। थाना प्रभारी महोदय कमतौल आए और विधिवत कार्रवाई कर पूर्व करते हुए ही, बिना किए हुए ही, पहले पोस्टमार्टम के लिए बिना 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 चौकीदार के, बिना मैंने पुलिस पदाधिकारी के ही दरभंगा भेज दिया गया उनको। चौकी मैंने क्या कहते हैं मृत शरीर को पोस्टमार्टम को, उससे पहले जो विधिवत कार्य होनी चाहिए, जो वो पकड़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब नहीं हो करके पहले मैंने पोस्टमार्टम के लिए किया गया। हम थे, हम तीन आदमी थे, तीन चौकीदार अहमदपुर में ड्यूटी है। हम राजनंद के छोड़ते थे, हल्ला हुआ पापा जोर से हल्ला किए कि और हम तीन राजू रंग किशोर तीनों आदमी हम आए बैग से, ठीक है, बैग से आए लेकिन अंदर आदमी फायरिंग कर रहा है। हम लोग जैसे ही गाड़ी से तो हम लोग फायरिंग करना शुरू कर दिया और एक गोली पापा को लगा तो हम लोग ऊँचा पड़ता है, हल्ला किए तो प्लस भाग जो घटना स्थल पर पकड़ गए। पापा पेट्रोल पंप पे गार्ड का काम करते हैं और वहाँ दारू उतर रहा था तो पापा विरोध किए कि दारू आप लोग जो है पहला उतार रहे हैं यहाँ पे, गए तो समय गई इसी विरोध में जो है फायरिंग कर दिया दारू मारते हैं। पिताजी है, दारू का गाड़ी लगाए हुआ था NH पे, तो बोले यहाँ पे क्यों कार गाड़ी लगा रखे, तो ये लोग बोला उतरा गोली मार दिया। हमारे भाई लोग भी आया, तीन चौकीदार, उस पर भी फायरिंग हुआ 3-4 राउंड। ये दारू डीलर सब है। शराब की सूचना पर छापेमारी के लिए गई उत्पाद विभाग की टीम पर दरभंगा में जानलेवा हमला। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है। दरभंगा जिले में शराब तस्करों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है, अब वे पुलिस पर भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिशनपुर थाना क्षेत्र के बड़की डिलाही गांव में। यहां देशी शराब बनाने और बेचने की शिकायत पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी के लिए गई थी, इसी दौरान टीम पर हमला कर दिया गया। इसमें उत्पाद विभाग के आधा दर्जन जवान घायल हो गए, सभी घायलों का इलाज DMCH इमरजेंसी में चल रहा है। घायल जवानों ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम ने एक महिला को घर के चूल्हे पर देशी शराब बनाते रंगे हाथ पकड़ लिया। आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग की टीम ने जब तक उस महिला को ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाया तो अचानक ग्रामीण उग्र हो गए और टीम की सभी 4 गाड़ियों को घेर लिया। इसके बाद वे ईंट पत्थर बरसाने लगे।
इसमें उत्पाद विभाग के 6 जवान घायल हो गए। हमले में एएसआई संजीत कुमार पासवान का बायां कान कट गया है, उनकी गर्दन में भी चोट है। वाहन चालक सोनू रजक और गंगा यादव को सिर में चोट लगी है। गृह रक्षक बल सुधीर चौपाल के सीने में भी चोट आई है। आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, वह डिलाही गांव के गोविंद पासवान की पत्नी आशा देवी है। दिव्यांगों के पीछे खड़ा होना हमारा नैतिक दायित्व, बोले राघवेंद्र चौधरी। पुअर होम के धरोहर भवन का जीर्णोद्धार हो अति शीघ्र, वसुधैव कुटुंबकम को मूर्त रूप देना अपरिहार्य। ब्रेल लाइब्रेरी एवं छात्रावास की समृद्धि जीवंत समाज का प्रमाण। उक्त बातें कामेश्वरी प्रिया पुअर होम परिसर अवस्थित ब्रेल लाइब्रेरी के सभागार में आयोजित मुख्य धारा में दिव्यांग विषयक संगोष्ठी सह लैपटॉप सप्रेम भेंट समारोह के दौरान अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के क्रम में महालक्ष्मी कुशेश्वर सेवा संस्थान के संस्थापक कुमार राघवेंद्र मोहन चौधरी ललन जी ने कही। उन्होंने आगे कहा कि ब्रेल लाइब्रेरी को सुसज्जित करने में अपने हर संभव योगदान का वचन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ को दिया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त डाक विभाग के सहायक निदेशक महेश मिश्र ने ऐसे आयोजनों में आमंत्रित करने के लिए राघवेंद्र चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे इसकी गरिमा की पुनर्स्थापना के लिए जमीनी स्तर के साथ साथ सोशल मीडिया से भी इस अभियान को बल देंगे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा संचालित ब्रेल लाइब्रेरी को शहर के दृष्टि दिव्यांगों के लिए विकास एवं परिवर्तन की क्रांति कहा। विशिष्ट अतिथि वरीय पत्रकार विनोद कुमार ने समस्त आगत अतिथियों को पुअर होम के गौरवशाली अतीत से अवगत कराते हुए हाईकोर्ट द्वारा अनाथों के मानित पक्षकार प्रोफेसर जयशंकर झा के मानवीय संवेदना की सराहना की। आज परम हर्ष का विषय है कि आज जिन दो कमरों में, जिन 4 कमरों में हम स्थापित हैं अलग अलग उद्देश्य को लेकर के, 2 छात्रावास के रूप में और 2 डिजिटल ब्रेल लाइब्रेरी के रूप में, जितने हमारे हम दिव्यांगों के शुभचिंतक गण यहाँ बैठे हैं, प्रबुद्ध जन बैठे हैं, सबों की महती भूमिका रही है। सबों के कृपा के योग से आज जिस स्थिति में हम हैं, आज महालक्ष्मी कुशेश्वर सेवा संस्थान की ओर से दिव्यांग कैसे मुख्य धारा में आए, उस विषय पर एक परिचर्चा है। साथ ही ब्रेल लाइब्रेरी जो कि कामेश्वरी प्रिया पुअर होम परिसर में अभी संचालित है नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से, NFB की ओर से, उसमें महालक्ष्मी कुशेश्वर सेवा संस्थान की ओर से एक बढ़िया लैपटॉप सप्रेम भेंट किया जा रहा है, यही कार्यक्रम है। और अब से बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा दीक्षा भी इस ब्रेल लाइब्रेरी में लेंगे और वो लोग उस ब्लाइंड बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए महालक्ष्मी कुशेश्वर सेवा संस्थान के मुख्य ट्रस्टी श्री राघवेंद्र मोहन चौधरी जी उस ललन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, GM रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। सर्चिंग फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वर्ड्स इंड हियर, नर्चरिंग इंडिया टुमारो, बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल नाउ इन दरभंगा एट जीवच घाट, नर्सरी टू ग्रेड 6, बिरला स्मार्ट स्कूलिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जॉयफुल एंड डिजिटाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, थीमेटिक एंड स्टेम बेस्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम, एडमिशन ओपन, ज्वाइन द सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की पिटाई करती नजर आ रही हैं महिलाएं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड के नवटोल का है, जहां की ग्रामीण महिलाओं द्वारा एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की जमकर पिटाई की जा रही है। हालांकि न्यूज टुडे दरभंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह वीडियो दरभंगा के बिरौल प्रखंड अंतर्गत नवटोल का बताया जा रहा है। इस हेडमास्टर पर आरोप है कि इन्होंने छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर पैसों की मांग की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि बिना पैसे दिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी और इसी बात पर आक्रोशित हो गई महिलाएं और महिलाओं ने स्कूल पर पहुंचकर हेडमास्टर की जमकर पिटाई कर दी। न्यूज टुडे दरभंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
दरभंगा में नशे की हालत में धराया एयरपोर्ट पर तैनात अग्निशमन का जवान। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है। बिहार में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को हर हाल में सफल बनाने की कोशिश में लगे दिख रहे, वहीं दूसरी तरफ उनके नुमाइंदे ही इसे तोड़ने पर आमादा नजर आ रहे हैं। ताजा मामले में देर शाम एयरपोर्ट पर तैनात अग्निशमन दस्ते के एक जवान को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जवान दरभंगा एयरपोर्ट के निकट देर शाम हंगामा कर रहा था। इसकी सूचना किसी ने केवटी थाने की पुलिस को दे दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाना लाकर ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया। जांच में नशा सेवन की पुष्टि हुई। इसके बाद जवान को DMCS लाकर उसकी मेडिकल जाँच कराई गई। नशे की हालत में पकड़ा गया जवान मूल रूप से अरवल जिला का रहने वाला जन्मेजय तिवारी है। बक्सर जिला अग्निशमन दस्ता में उसकी पोस्टिंग है और डिपुटेशन पर उसे दरभंगा एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। इस घटना के बाद लोगों में इस बात की चर्चा है कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की कसम खाने वाले ही जब शराब का सेवन कर रहे हैं तो शराबबंदी कैसे सफल होगी। ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी जिले में 27 सितंबर 2022 को शराब पार्टी करते 2 ASI को पकड़ा गया था। बहादुरपुर थाने में पदस्थापित ASI मनोज कुमार राम और उपेंद्र प्रसाद विद्यार्थी अपने आवास में शराब पार्टी कर रहे थे। और अब यह एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, नशे के मामले से जुड़ी हुई, शराबबंदी पर बड़ा सवालिया निशान। नशे की हालत में धराया दरभंगा एयरपोर्ट पर तैनात अग्निशमन का जवान।